Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हर घर में सुबह दो फरिश्ते क्यों आते हैं मेहरबान अली. सो गाइज, जैसे कि टाइटल में पता चल गया है, मेहरबान अली की एक वीडियो होने वाली है और हमने इनकी पहले भी बहुत वीडियोस पे रिएक्ट करा है एंड दे आर जस्ट अमेजिंग. बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं और जो इनको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है और जिस तरीके से पूरी वीडियो बताते हैं हमें काफी पर्सनली पसंद है और बहुत इंटरेस्ट भी आता है इनकी बातों में क्योंकि इनकी आवाज जो है एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी है और सही में. और हमने ना इनकी बहुत सारी, मतलब ऐसे भी नहीं कि ये तीन चार वीडियो पर रिएक्ट करा है, काफी ज्यादा वीडियोज पर रिएक्ट करा. आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है इन वीडियोज पर, हमें पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है. और ये वीडियो भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाली है क्योंकि इसका टाइटल इज वेरी अमेजिंग. सो गाइस, बिना बातें करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. या अली, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज दो फरिश्तों से होता है. एक फरिश्ता घर घर जाके दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाके इल्तिजा करता है. वो कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि सबसे पहले दो फरिश्ते जमीन को आते हैं और घर घर जाके देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करता है, अपने अजीज व अकारिब पे खर्च करता है, अपने घर वालों की जरूरतों को अपना फर्ज समझता है. तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग न करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज व अकारिब और घर के अफराद पे खर्च कर सके. और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि घर में कोई ऐसा फर्द तो नहीं जो अपने माल को अजीज व अकारिब और घर वालों से छुपा के रखता है, अल्लाह की मखलूकात पे खर्च नहीं करता. याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को जखीरा करके इंसानों से छुपा के रखता है तो अल्लाह की दरबार में फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पे खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीज व अकारिब को अपने माल से महरूम रखता है. और यूं अजीज व अकारिब पे खर्च करने वाला दुनिया में फरावानी और आखिरत में अजीम अज्र पाता है और जो अपने अजीज व अकारिब पे खर्च नहीं करता वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अज़ाब देखता है. इन्होंने हमें टू द पॉइंट बताया कि दो फरिश्ते आखिरकार क्यों आते हैं और क्या करते हैं एक्चुअली में. और मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब दोनों जिस तरह से इन्होंने बताया वो तरीका भी, क्योंकि कई बार होता है चीज़ें समझ नहीं आती पर जिस तरह से ये बताते हैं तो मतलब एक एक चीज़ समझ आती. एग्जैक्टली, उन्होंने इतनी वंडरफुल नॉलेज दी और वो भी इतने क्लियर कट तरीके से, तो दैट वॉज अमेजिंग. और इस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. सबसे बड़ी बात तो यही सही सीखने को मिलती है कि जो हम लाइक पैसे कमाते हैं तो मतलब वी शुड यूज इट फॉर गुड और ये नहीं कि बस अपने अयाशियों के लिए या फिर कुछ गलत काम के लिए, बल्कि अपनी फैमिली के लिए एंड एक्चुअली मतलब यू नो हेल्पिंग आउट. एग्जैक्टली, और मतलब जो मेन पॉइंट था वो तो यही था कि ईमान के रास्ते पे चलो, ये नहीं कि कुछ भी तुम ऐसे गलत वगलत चीजें कर रहे हो. तो इसमें कुछ लोग बहुत रिच होते हैं और वो बिल्कुल भी पैसे देते टू द चैरिटी और टू द पुअर, तो वो भी गलत ही है फिर. अगर तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो कुछ हिस्सा तो आई गेस देना ही चाहिए और ये तो होता ही है वैसे. एग्जैक्टली, तो मतलब बेसिकली यही था कि तुम जो भी चीज़ें कर रहे हो वो एक तरीके से करो, ये नहीं कि तुम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो और उसे छुपा रहे हो. एग्जैक्टली गाइस, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब हो रहा है, लाइक यू जस्ट सॉ इन द वीडियो. एग्जैक्टली, और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो अवॉइड देम गाइज. और बस यही इन्होंने ये चीज़ इस वीडियो में बताई. वेरी अमेजिंग वीडियो. यू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.